जय हिंद दोस्तों। देखिए आज बेसिक हाई जंप दरोगा का चल रहा है, आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगा। 3 फीट 3 4 3 8 4 फीट अभी लड़का लोग को बेसिक सिखाएंगे, क्योंकि इंजरी होता है इसलिए इससे बचना भी है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए लड़का लोग लेफ्ट और राइट कैसे हाई जंप करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार है? Yes, sir. करना क्या है, ये डंटा है, ये डंटा कुछ लोग कल सिखाया गया था, कुछ लोग नए हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा पहले आगे आ जाइए। ये डंटा से कोशिश करना है 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। कितना फीट? 1.5 से 2 फीट। 1.5 से 2 फीट मतलब कि 1 फीट हुआ ना, ये पैर ये 2 फीट हो गया, तो मान लो यहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ भी है ना। डंटा से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए अपना। मान लीजिए कि हम लेफ्ट मारते हैं या राइट मारते हैं तो उसका एक एंगल बनाया जाता है, ठीक है। वो एंगल पे हम 1.5 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो ये डंटा है, तो मान लो कि 1.5 फीट है, यहाँ दूरी है, तो कोशिश करेंगे कि बायां पैर इधर से मारेंगे तो बायां पैर इसमें आना चाहिए, और उधर से मारेंगे तो दाहिना पैर उसमें आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जंप मारेंगे तो ये पैर को हवा में उछालना है जैसे, तो जब पार करेंगे तो ये पैर भी हवा में उठ जाना चाहिए। हम लोग का क्या करते हैं, ये पैर यहाँ पे जमीन पर रखते हैं, दूसरा पैर उठा के डाल देते हैं, तो दूसरा पैर नहीं जा पाता है। ये बेसिकली सबके साथ होता है। ऐसे देखो, इधर खड़ा, थोड़ा सा देख देना, ऐसे पैर को रखे, अब ऐसे करके किए ना तो इवना पैर नहीं उठा तो फंस गए। यही चीज को अगर हम जंप मार के हवा में उठा देंगे तो बजेगा नहीं। देखिए जैसे हम इधर से गए, ये पैर को जंप लिए, पैर हम जैसे ही पैर अंदर गया ये पैर भी उठ गया, लेकिन उस पैर को रखना नहीं है। जब भी रखना है तो टोपे और जंप लेना है। जैसे हम अभी जंप करवाए थे तो ऐसे करवा रहे थे ना, ऐसे ये वाला करा रहे थे, तो इसको जंप छोड़ना है, ठीक है। तो इधर से आना है तो जंप मारना है, इधर से जाएंगे तो कौन सा पाइप देखेंगे वो देखेंगे, उधर से आएंगे तो कौन सा पाइप देखेंगे ये देखेंगे। हमको वहां से चलेंगे तो डंटा देखना है कि जमीन को देखना है, पाइप को? गलत बात, जमीन देख। उधर से चलेंगे तो हमारा वहां जमीन जहां 2 से 1.5 फीट की दूरी है उसको देखेंगे कि हमको पैर कहां, वही तुम्हारा मेन पॉइंट है। इसको देखिएगा तो डर लग जाएगा। अभी ना हाइट कम है, हाइट जैसी बढ़ेगा आपको डर आना शुरू हो जाएगा, लगता है आप डर अब बढ़ जाएंगे, तो इससे बचना है। समझ रहे हैं? तो क्या करना है कि डंटा को ना देख के कहाँ से जंप जहाँ से लेते हैं उसको देखना है। समझ रहे हैं सब लोग? पॉइंट वाली बात। दूसरा पॉइंट जो है, आप जब जंप लेते हैं तो पैर को आप सीधा कर देते हैं ऐसे, घुटना टाइट, ये नहीं करना है। करना क्या है, पैर को फोल्ड उठाना है। देखिए ये उठाए तो बीच में गैप बनता है, जैसा ही जंप लेकर पैर फोल्ड उठाइएगा और पैर को तब जाकर पलटिएगा तो आराम से आप उधर चल जाइएगा। देखो हम चले, पैर को फोल्ड, बीच में गैप बनता, इसी को हम पैर को अगर सीधा ले लेते हैं ऐसे, देखिए पैर को ऐसे लेते हैं तो हिप आ जाएगा मेरा। देखिए पैर सीधा होने के कारण बच गया ना, ये गलती नहीं करना है। क्या करना है, पैर फोल्ड करके जंप लेना है, ये इसमें आपका बजने का चांस नहीं रहेगा। पहला पॉइंट, डंटा से कितना फीट की दूरी, जंप लेने टाइम कहाँ देखना है, और थर्ड पॉइंट, जंप लेने के बाद पैर फोल्ड उठाना है। 3 पॉइंट को फॉलो करना, लाइन में जाइए। उधर किसका है, नहीं मारेंगे, ठीक है। हल्का सा अंदर आने का कोशिश करेंगे, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर से इधर वाला मारेगा, इसके अंदर से इधर वाला मारेगा, और इसके लेवल में यहाँ पे आपका ये है गोलंबर, इसके अंदर पैर रखना है, कौन सा, दाहिना, और इधर से यहाँ पे रखना है, कौन सा, बायां, ठीक है। उसमें उसको ध्यान देना है। चलिए एक से बढ़ते जाइए, बहुत अच्छा, ताली मारिए, गुड, चलते जा, खींचो करके ऊपर, नहीं ये यहाँ कमी है। हम लोग क्या किए, गए आराम से, पहले रुके और उसके बाद जंप मारे। कभी भी बॉडी में मोशन होना चाहिए, रुकना नहीं है, यहाँ से स्पीड को तेजी रखना है, ठीक है। यहाँ से गए स्लो नहीं होना, तेज जाना है, गुड, भागते जाओ, चलिए चलिए और आगे आगे गिरने की कोशिश करो, गुड, पैर फोल्ड।
सब पूरा और सब हाँ सही है। चलो आगे थोड़ा जाइएगा पूरा पैर को जैसा हिट को लेगा। अब जूता पे कभी भी जंप नहीं होता है। खाली पैर करिए खाली पैर बहुत अच्छा। चलो सट के मारेगा ना तो नोट चल तीन चार कहाँ से मार रहा है बाबू कहाँ से जमा पैर तुम्हारा आप लोग को लग रहा होगा पास का पहले आप लोग को बोलना आओ अंदर आओ पहले मार दे रहा है। जब कहाँ रुक रहा है तुम कह रहे हो यहाँ सलो नहीं होना।